हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आप जानते हैं आंवला में प्रमुख मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। मैगी में एक बार फिर से लगेगा महंगाई का तड़का, नेस्कैफे किटकैट के भी बढ़ेंगे दाम। जी हां, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से अगर आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर है तो जरा ठहरिए, आपकी ये परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। जी हां, क्योंकि खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां फिर से कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। पिछले महीने ही दिग्गज FMCG कंपनियां नेस्ले और HUL ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाए हैं। कमोडिटी की ग्लोबल कीमतें बढ़ने से परेशान FMCG कंपनी नेस्ले एक बार फिर से अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि खाने का तेल, कॉफी, गेहूं और फ्यूल जैसी कमोडिटी के दाम 10 साल के उच्चतर स्तर पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी इसका बोझ उपभोक्ताओं पर ही डालेगी। नेस्ले के मुताबिक कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से कच्चा माल और पैकेजिंग सामानों के दाम 10 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे लागत बढ़ रही है और परिचालन मुनाफा प्रभावित हुआ है। FMCG कंपनी नेस्ले मैगी, किटकैट और नेस्कैफे जैसे प्रचलित उत्पाद बनाती है। इसके अलावा पाउडर मिल्क सहित कई अन्य उत्पाद भी बनाती है। नेस्ले ने एक बयान जारी कर कहा कि लघु से मध्यम अवधि में महंगाई निरंतर बढ़ने की संभावना है। यूपी की छात्राओं के जल्द आएंगे अच्छे दिन, योगी सरकार सौंपेगी स्कूटी की चाबी। जी हां, उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद अब योगी सरकार जल्द ही छात्राओं को स्कूटी की चाबी देने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का ऐलान किया था। स्कूटी 12वीं पास मेधावी छात्राओं को दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के 100 दिन के एक्शन प्लान में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। छात्राओं की संख्या के लिए जिलों से भी प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें कि चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्कूटी देने की घोषणा की थी। बीजेपी ने इसके बाद संकल्प पत्र में स्कूटी देने का वायदा जोड़ा था। ये स्कूटी 12वीं पास मेधावी छात्राओं को दी जाएगी, जिस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। 100 दिन के अंदर स्कूटी देने की कार्य योजना बनाई जा रही है। टैबलेट और स्मार्टफोन की तरह ही हर जिले में इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत यह स्कूटी मुफ्त में दी जाएगी। पंजाब में मास्क लगाना हुआ फिर से जरूरी, हालांकि अभी नहीं लगेगा जुर्माना। जी हां, कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाने की हिदायत दी है। हालांकि पंजाब सरकार की ओर से अभी तक मास्क नहीं पहनने पर किसी भी तरह का फाइन नहीं लगाया गया है। पंजाब सरकार ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी। पंजाब सरकार ने अपने बयान में कहा कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य के लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर मास्क जरूर लगाएं। पंजाब सरकार ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और टैक्सी का इस्तेमाल करते हुए भी मास्क लगाना जरूरी है। इसके अलावा क्लासरूम और ऑफिस में भी मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। बेंगलुरु में बोले केजरीवाल, कहा दिल्ली पंजाब के बाद अब कर्नाटक में हमें बनानी है आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में शामिल होने कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे। वहां पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। केजरीवाल ने इसके साथ ही कृषि कानूनों के मसले का भी जिक्र किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को मैंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करो, तो उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ और खुद खत्म करो। हमने चुनाव लड़ा, पहले दिल्ली में सरकार बनी, फिर बंगाल में बनी और अब कर्नाटक में सरकार बनानी है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि PM ने मेरे घर पर CBI की छापेमारी करवाई। इस दौरान अफसर मेरे बेडरूम तक घुसे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि PM ने मुझे ईमानदार CM का सर्टिफिकेट भी दे दिया था। हमारी सरकार ईमानदार है।
भाजपा में शिवपाल यादव के आने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा हम चाहते हैं कि सपा खत्म हो जाए। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच छिड़ी सियासी लड़ाई पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की समस्या से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सपा समाप्त हो जाए। शिवपाल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी नेता के किसी से मिलने को बीजेपी में शामिल होने से जोड़ना ठीक नहीं है, मुलाकातें तो होती रहती हैं, इसे पार्टी में शामिल होने से जोड़ना ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा मजबूत है, आगे और भी मजबूत होगी, हम तो सबसे संपर्क करते हैं, अखिलेश यादव भी आए हम तो उनसे भी संपर्क करने को तैयार हैं। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा हम लोगों को बांटना नहीं एक करना जानते हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकता में बहुत ताकत होती है और हमारा मकसद एक दूसरे को एकजुट करना है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहते, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम लोगों को एक करना चाहते हैं, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यहीं आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, लेकिन अगर आप बटे हुए हैं तो सब बिखर जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि हम पूरे विश्व से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है, तभी हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमें लोगों को डराना नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हम लोगों को बांटना नहीं चाहते, हम एक करना जानते हैं, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। अब देश में ही मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की डिग्री, यूजीसी का अहम फैसला। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-23 से भारत के शैक्षणिक संस्थानों को अब विदेशी संस्थानों के साथ ज्वाइंट डिग्री, ट्विनिंग डिग्री और डुअल डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके तहत देश का कोई भी शीर्ष विश्वविद्यालय दुनिया के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर साझा कोर्स शुरू कर सकता है और इसका लाभ भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्र भी उठा सकेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पहली बार है जब ज्वाइंट डिग्री की अनुमति दी जा रही है। हालांकि इनमें से कुछ पहलों की रेगुलेशन देने वाले नियमों की पहली बार 2012 में घोषणा हुई थी और 2016 में संशोधन किया गया था। यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने पत्रकारों से चर्चा में इस संबंध में रेगुलेशन को मंजूरी देने की जानकारी दी और बताया कि इसकी सिफारिश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी की गई है। सीएम योगी की अपील पर श्रीकृष्ण जन्मस्थली में लाउड स्पीकर की आवाज हुई कम। जी हां, इन दिनों देश में लाउड स्पीकर काफी चर्चा में है। कई लोग धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मथुरा के भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थली मंदिर प्रशासन ने बड़ी पहल की है। मंदिर प्रशासन ने श्रीकृष्ण जन्मस्थली मंदिर पर लगे हुए लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने का फैसला किया है। बता दें कि पिछले दिनों यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से आग्रह किया था कि वो लाउड स्पीकर की आवाज को नियंत्रित करें। यूपी सरकार की गाइडलाइन का असर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थल पर देखने को मिला है। श्री कृष्ण जन्म स्थल से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि अब लाउड स्पीकर नियम के तहत बजेंगे ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। ई व्हीकल चार्ज करने में नहीं होगी अब वक्त की बर्बादी, नीति आयोग ने जारी किया बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट। जी हां, ई व्हीकल्स की बैटरी खत्म होने पर उसे रिचार्ज करने में लगने वाले वक्त की बर्बादी अब जल्द ही कम हो सकती है। इसके लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी की अदला बदली का ड्राफ्ट पेश किया है। इस नई नीति का मकसद ई व्हीकल्स की डिस्चार्ज बैटरी को बदलकर पूरी तरह से चार्ज बैटरी लगाने की व्यवस्था को आसान और प्रभावी बनाना है। इसके अलावा नई नीति के लागू होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटने की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इन्हें बिना बैटरी के बेचा जा सकेगा। ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक जिन गाड़ियों में बैटरियों की अदला बदली हो सकती है उनकी बिक्री बिना बैटरी के होगी। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतें कम हो सकती हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि नीति आयोग के मसौदे के मुताबिक कोई भी शख्स या कंपनी किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोल सकेगा। इसके लिए जरूरी तकनीकी सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों का पालन करना होगा। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के चाचा शिवपाल, बोले मुझे पार्टी से ही निकाल दें।
जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सियासी रिश्तों में कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनको लगता है कि मैं बीजेपी में हूं तो मुझे पार्टी से ही निकाल दे। दरअसल अखिलेश यादव ने आगरा के कार्यक्रम में कहा था कि चाचा शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में हैं। शिवपाल ने अखिलेश यादव के इसी बयान को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि मैंने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर चुनाव लड़ा था। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वह तुरंत ही इस पर निर्णय लें और मुझे विधानमंडल दल से बाहर निकाल दें। उत्तर प्रदेश में अब जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए पास करनी होगी नीट की परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी जीएनएम और बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के तहत एडमिशन लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और संख्या में सुधार पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को पहले नीट पास करनी होगी। उन्होंने कहा कि योग्यता और कौशल विकास में सुधार के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में कौशल प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पैरामेडिकल के कौशल विकास के लिए 5 नए कोर्सेज ओटी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और एमआरआई टेक्नीशियन को जोड़ने की कार्य योजना बनाई जाए। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और झारखंड और ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आज का सुविचार, मन्नू भंडारी ने कहा था, आस्था से कही बात और आस्था से किया काम दूसरे तक ना पहुँचे यह हो ही नहीं सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।